ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जबकि स्वयं भगवान हमारे सम्मुख उपस्थित है, वो हमारे लिए सब कुछ लेकर आए हैं, तो हमें अपने को सर्व खजानों से भरपूर करके संतुष्ट आत्मा बनाना है। सर्व खजानों से भरपूर होने को ही संपन्न आत्मा कहा जाता है, अर्थात संपूर्ण रूप से भरपूर हो गए और कुछ तमन्ना दिल में नहीं रही। तो आइए हम संतुष्ट आत्मा भी बने। हम जानते हैं संतुष्टता में बहुत शक्ति है, संतुष्ट आत्मा सबको प्रिय है, संतुष्ट आत्मा व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त रहती है और उनका प्रकाश सारे संसार में फैलता है। नहीं तो इच्छाएं और कामनाएं मनुष्य के मन को बार बार विचलित करती हैं, योग युक्त स्थिति से नीचे ले आती हैं। हम संपन्न बने ज्ञान में। यूं तो हम सबको संपूर्ण ज्ञान है, पर संपूर्ण ज्ञान का अर्थ है, उसका प्रैक्टिकल प्रूफ है कि हम ज्ञान का यूज करके अपने चित्त को शांत कर लें, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करते चलें, अपने संकल्पों को महान बनाते चलें। और जो सच्चा ज्ञानी है वो योगी अवश्य होता है, क्योंकि ज्ञान युक्त आत्मा ही अपनी बुद्धि को एकाग्र करके योग युक्त स्थिति में स्थित हो सकती है। हम संपन्न बने दुआओं के खजाने से। यूं तो हमें सभी आत्माओं की दुआएं भी लेनी है अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, दूसरों को मदद करके, लेकिन हमें मिल रही हैं भगवान की दुआएं। ले लें हम जिससे दुआएं जन्म जन्म मांगते आए, अब वो दुआओं से हमारे भंडारे भरपूर कर रहा है, लेकिन उसकी दुआएं भी कौन लेंगे, मांगने वाले नहीं, उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले। तीसरा हमारा बहुत सुंदर खजाना है पुण्य कर्मों का खजाना, इसको बढ़ाते चलें समय के अनुसार। इस खजाने की हमें बहुत बहुत जरूरत है। पाप कर्मों से आत्माएं बहुत त्रस्त हो रही हैं, उनके जीवन में सुख चैन नहीं है। हमारी पुण्य कर्मों की शक्ति सभी को पाप से मुक्त होने की प्रेरणा देगी। हमारी पवित्रता के वाइब्रेशंस सभी को अपने पाप की रियलाइजेशन कराएंगे। नहीं तो आज लोग शराब पीकर मांसाहार का सेवन करके भी अपने को पापी नहीं मानते हैं, जबकि ये दोनों ही पाप के मूल बनते जा रहे हैं। हम संपन्न करें स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने से, जो हमारी अनमोल निधि है। जितने महान किसी के विचार, उतनी ही महान उसकी स्थिति, उतना ही महान उसका पद। हम संपन्न करें स्वयं को पवित्रता के खजाने से। हम संपन्न करें स्वयं को सभी गुणों से। चेक कर लें, हम गुणवान हैं। क्या हम अपने को गुणवान कहेंगे? क्या जो बाबा के द्वारा बताए गए मूल गुण हैं, उनको हमने अपने जीवन में अपनाया है? और गुणों का स्वरूप होता है निरहंकारिता। निरहंकारिता में बहुत सारे गुण समा जाते हैं। हम अपने को भरपूर करें शक्तियों के खजाने से, विशेष मास्टर सर्व शक्तिवान बन जाएं, तो हम विजयी बनते रहेंगे। परिस्थितियां हमारे सामने परास्त होती रहेंगी, परिस्थितियां हमें खेल अनुभव होती रहेंगी, परिस्थितियों को पार करके हमें गर्व का अनुभव होगा, तो हम अपने को सर्व खजानों से भरपूर करें। यही हमारा लक्ष्य हो और यही खजाने हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करेंगे। एक एक खजाने का हमारे भविष्य भाग से बहुत गहरा नाता है। तो आज सारा दिन हम एक ड्रिल करेंगे, ब्राह्मण सुफरिश्ता सुदेवता।
मैं इस देह में हूँ ब्राह्मण, इसे निकलकर फरिश्ते स्वरूप में कुछ समय अपना वो स्वरूप देखेंगे, फिर वहां से निकलकर देव स्वरूप में, फिर वहां से निकलकर ब्राह्मण स्वरूप में चक्र लगाएंगे। हर घंटे में 3 बार इस चक्र को पूरा करें, आधा मिनट ही लगेगा, 1 मिनट लगेगा, लेकिन जीवन आनंदित हो जाएगा। ओम शांति।